हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी में डाटाबेस को किस तरह से बनाया जाता है और उसे पीएचपी के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने से क्या होगा, हम जो भी डाटा है हमारा डाटाबेस में उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, उससे रिट्रीव करवा सकते हैं एंड डिलीट करवा सकते हैं, जो भी MySQL की क्वेरीज होती है PHP के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारा डाटाबेस हमारे PHP के साथ कनेक्ट है, हमारे जो साइट है उसमें कनेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ आती है किस तरह से हम डाटाबेस को बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखेंगे, हमारे पास ये पेज आ जाएगा, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। इसलिए अगर हम अपना ऑनलाइन साइट है हमारी, तो वहाँ पर सी पैनल में PHP माई एडमिन का ऑप्शन होता है एंड डाटाबेस क्रिएट करने के लिए भी अलग ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम डाटाबेस का नेम लिखेंगे, मैं लिखता हूँ PHP ट्यूटोरियल एंड देन क्रिएट। तो हमारा डाटाबेस PHP नेम से बन गया, PHP ट्यूटोरियल हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे PHP नेम ही यूज़ करते हैं। PHP नेम से हमारा ट्यूटोरियल डाटाबेस बन गया। ओके, देन यहाँ पर अगर हम कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन है कि यूज़र का क्या नेम है, रूट, सर्वर का नेम, लोकल होस्ट, पासवर्ड, इसमें कोई सेट नहीं है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो आइए अब PHP में इसे कनेक्ट करते हैं किस तरह से होगा। कनेक्ट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं MySQLi_connect। यहाँ पर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है MySQLi_connect एंड दूसरा होता है MySQL_connect। MySQLi है जो ये न्यू वर्जन ऑफ PHP है उसके अंदर है, एंड इट इज़ एडवांस फंक्शन, ये एक एडवांस फंक्शन है, तो हमें इसे ही यूज़ करना चाहिए। देन इसके अंदर हम पैरामीटर जो पास करते हैं, फर्स्ट होता है सर्वर का नेम, हम लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। देन यूज़र का नेम रूट होता है वेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड नल कुछ भी नहीं होता, एंड जो हमारा डाटाबेस का नेम है PHP। ओके, देन इसको हमने सेव किया एक वेरिएबल $MySQLi, ये रेफरेंस कंटेन करेगा हमारे MySQL जो हमारा कनेक्शन बना है उसके लिए। ओके, देन हम चेक करेंगे क्या कोई एरर हुई कनेक्ट करते हुए, इफ़ इसके लिए भी फंक्शन है MySQLi कनेक्ट एरर नंबर, अगर कोई भी एरर होगी तो इट टू रिटर्न करेगा एंड देन हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि डाटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो एग्जिट ही करना चाहिए, एल्स क्या करे, इको कनेक्टेड टू डाटाबेस। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट की जगह हम इको कर सकते हैं, इको कर देते हैं एरर। ओके, तो अब क्या करें, अब हम अपना वेब ब्राउज़र ऑन चलाते हैं, वहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पर मैंने जो फाइल सेव की है वो की है PHP ट्यूटोरियल के अंदर डाटाबेस नेम से .php। अब यहाँ पर एरर दिखा रहा है हमें, एक्सपेक्टिंग कॉमा और कॉलम ऑनलाइन 12। ये एरर को किस तरह से रिमूव करते हैं, ये भी काफ़ी ख़ास चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हमने सेमी कोलन नहीं लगाया। ओके, हम इसे सेव करते हैं वाया यहाँ पर, ये देखिए कनेक्टेड टू डाटाबेस। तो आज हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट थिंग हम डाटाबेस किस तरह से बनाते हैं, सेकंड थिंग कि हम उसे कनेक्ट किस तरह से करते हैं, एंड थर्ड थिंग कि हम किस तरह से एरर जो आती हैं हमारी PHP के अंदर उसे हैंडल कर सकते हैं या फिर उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये है डाटाबेस के बारे में, हम और भी इनके बारे में सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।